हाँ तो भाई, जब से मैंने पोको X6 ये जो फ़ोन है इसका डिटेल रिव्यू आपके साथ में शेयर किया, तब से एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि भाई मेरा फ़ोन हीट बहुत ज़्यादा कर रहा है। और पर्सनली बताओ, जब भाई मैंने ये फ़ोन परचेस किया था तो भाई उसके एक दो दिन बाद में ये फ़ोन इतना ज़्यादा हीट होता था कि लिटरली भाई मेरा हाथ में यहाँ पे पूरे लाल लाल पड़ गए। हाँ तो भाई, जस्ट मैं अभी यूट्यूब की वीडियो वॉच कर रहा था। मुश्किल से 3 से 4 मिनट मैंने वीडियो वॉच की होगी। जैसे कि आप देख रहे हो, ये है पोको X6 5, जो लिटरली भाई बहुत ही ज़्यादा ये हीट हो गया है। हाँ भाई, पता नहीं क्यों पिछले 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा ये हीट हो रहा है। जब से एक नया लेटेस्ट अपडेट आया था, मैंने अपडेट कर दिया। जैसे कि आप ये हाथ देख ही रहे हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इस टाइम पे मैंने क्या सॉल्यूशन किया जिसकी वजह से अब मेरा फ़ोन कम हीट हो रहा है? कितने तक जाना नॉर्मल है? कौन से ऐप से आप चेक कर सकते हो कि आपका फ़ोन कितना डिग्री हीट हुआ है? मतलब ओवरऑल टेम्परेचर कैसे आप चेक कर सकते हो, कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हो। तो सिंपल सा, आपको जाना है प्ले स्टोर पर, यहाँ पर आपको एक्यू बैटरी नाम की आपको सर्च कर लेना, ये ऐप देखने को मिल जाएगा। इसे डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल कर लेते हो, इस तरीके का आपको अंदर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको टेम्परेचर शो हो जाएगा कि कितना डिग्री, 37 डिग्री, 39 डिग्री, 40 डिग्री, 28 डिग्री, 30 डिग्री, मतलब पूरा यहाँ पे डिटेल में शो हो जाएगा। अब सेकंड बात करते हैं कि भाई कैसे आप इसे रोक सकते हो, क्योंकि भाई जब मैंने ये फ़ोन खरीद के लेके आया था ना, मतलब भाई खाली फेसबुक चला रहा था मैं, हालांकि ज़्यादा नहीं यूज़ करता हूँ, तब पर भी थोड़ा कुछ मैंने चलाया, रील मैंने ऊपर किया, कोई यूट्यूब वीडियो, मतलब वीडियो देख लिया ना, तब पर भाई हीट करने लगा था। BGMI की तो बात ही छोड़ो, उसका तो दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। तो भाई लिटरली 40 बार 41 42 तक चला जा रहा था, अब जाता है बट अब 36 37 तक ही रुक जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता। तो आपको क्या स्टेप फॉलो करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आया होगा उसे अपडेट कर लेना है। सिंपल से आपको जाना है सेटिंग में, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है, यहाँ पे इसे आपको अपडेट कर लेना है। इस टाइम पे HyperOS का 1.0.3.0 का साथ अपडेट आया हुआ है, मेरे में भी यही चल रहा है, आपको इसे अपडेट कर लेना है। फिर इसके आगे और कोई भी अपडेट आएगा तो उसे अपडेट कर लेना है। सिंपल सा फर्स्ट स्टेप तो आपको यही फॉलो करना है। सेकंड करने के बाद में आपको एक बार फोन को रीबूट कर देना है। हाँ, रीबूट, रीसेट नहीं, पहले फोन को आपको रीबूट करना है, रीबूट करके रख देना है। थर्ड नंबर पर फिर अपने आप फोन को, मतलब कुछ देर बाद में जैसे अगर नहीं सोल्यूशन हो तो पावर ऑफ कर देना है, पावर ऑफ करके 1-2 घंटा रहने देना है। फिर उसके बाद में फिर इसे वापस जो है पावर ऑन कर लेना है, स्विच ऑन कर लेना है। आपने 3 स्टेप फॉलो कर लिया, ये 3 स्टेप के बाद भी अगर आपके फ़ोन में जो हीटिंग इशू नहीं सही हो रहा है तो आपने चार्जर, हालांकि भाई आपने नया फ़ोन खरीदा है तो चार्जर डब्बा वाला ही यूज़ करोगे तो उसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। कोई आप MoDP के यूज कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, जो आते हैं ना, मतलब फ्री का मिल जाता है माल, तो उसे एक बार आप अनइंस्टॉल करके देखिएगा, ठीक है? उसे अनइंस्टॉल करके देखिए तो क्या पता उस ऐप की वजह से आपके फ़ोन में इफेक्ट पड़ रहा हो। तो इतना कुछ आपने कर लिया तो बस आपके पास में आखिरी ऑप्शन क्या बचता है, हालांकि आखिरी इसके बाद भी एक और आखिरी आएगा, बट इस सेकंड आखिरी हम इसे कह सकते हैं कि आपको अपने फ़ोन को रीसेट कर देना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, अब देखिए HyperOS का अपडेट आ रहा है, ये पूरा UI पूरी तरीके से चेंज हो जा रहा है, प्लस एंड्रॉइड वर्जन भी अपडेट हो रहा है। पहले 13 था, यहाँ पे एंड्रॉइड 14 हो जाएगा, तो ये बहुत ही बड़ा एक मेजर अपडेट होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, कोई फ़ोन इसके लिए कंफर्टेबल नहीं रहता है तो कभी कभी हीटिंग इशू आ जाती है। तो आपको एकदम फोन को रीसेट कर देना है, फैक्ट्री रीसेट पूरा कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई आपका जितना भी डेटा उसे बैकअप कर लेना है, नहीं तो फैक्ट्री रीसेट करोगे तो फोटोज वीडियो सबके सब उड़ जाएंगे। फोटोज आप गूगल फोटोज पे अपलोड कर सकते हो, कॉन्टैक्ट जो है अपने गूगल पे ही अपलोड करके रख सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पे अलग से मेमोरी कार्ड तो लगता नहीं है, इंटरनल मेमोरी आता है, तो भाई आपको एक बात का ध्यान रखना है, डेटा बैकअप करने के बाद में सिंपल से आपको फैक्ट्री रीसेट कर देना है। और जैसे फैक्ट्री रीसेट कर देते हो तो उसके बाद में आपको यूज करना है, देखना है। और देखिए आपको एक बात का अक्सर ध्यान रखना है, कभी भी आपको जो मतलब जहाँ आपका घर जो है, आपको सी बात है गर्मी का मौसम आ गया है तो पतरे वाले घर से थोड़ा आपको दूर रहना है, प्लस हो सके जहाँ तक उससे गर्म, जहाँ पे इन्वायरमेंट ज़्यादा गर्मी हो कि भाई मुझे भी गर्मी लग रही है, उस सिनेरियो में आप लगे हो भाई धड़ाधड़ चला रहे हो तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जहाँ भी आप फोन को यूज कर रहे हो थोड़ा ठंडा प्लेस हो, मतलब इतना नहीं फ्रीज जितना ठंडा, बट थोड़ा इन्वायरमेंट वहाँ का थोड़ा कूल हो, इतना भी नहीं भाई हाई टेम्परेचर हो जाता तो आदमी के पसीने छूट जाते हैं तो फोन नहीं, तो इसका तो छूटना फिक्स ही है। तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा टेम्परेचर मैनेज में हो। और उसके बाद में रीसेट करने के बाद अगर आप देखोगे तो आपका फोन हीट करना 99% कम हो जाएगा। और जैसे ऐसा होता है ना कि आपने चले 2 घंटे 3 घंटे फोन यूज कर लिया तो आपका फोन हीट होने लगा है, हाँ आप टेम्परेचर जाकर चेक कर लीजिए, 39 तक या 40 तक पहुंच गया, तो अपने फोन को आप 10 मिनट थोड़ी देर रख दीजिए, 10 मिनट थोड़ी, क्योंकि भाई देखिए अगर फोन आपका हीट होता है ना तो इसमें भाई बैटरी ड्रेन होने लगता है, बस भाई ये लैग भी करने लगता है, सिनेरियो में भाई पूरा मतलब काम खत्म हो जाता है इसका, ना बैटरी ड्रेन भी होगा फिर अच्छे से चलेगा भी नहीं, हैंग करने लगा। तो जैसे फोन अगर आपको थोड़ा हीट भी हो जाता है, आपने 2-3 घंटे लगातार यूज कर लिया तो फोन हीट हो रहा है तो थोड़ी देर उसे रख दीजिए, फिर 5-10 मिनट 15 मिनट बाद यूज कीजिए। और लगभग लगभग ये सारे सिनेरियो में इतना काम करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट कर देना है, फोन को एक बार रीबूट कर देना है, फिर पावर ऑफ पावर ऑन कर
कर देना है, फिर उसके बाद मैक्रम जाकर फैक्ट्री रीसेट कर देना है, मोड ईपी अगर आपने कोई रखा उखा हो तो भी उड़ाई देना है, बस इतना काम आपको कर लेना है, आपका फ़ोन हीटिंग इशू बहुत कम हो जाएगा। पर्सनली भाई जब मैं लेके आया था मैं परेशान हो गया था, मैंने ट्विटर पर इतना ट्वीट किया, मतलब बुरा ट्वीट किया, बाढ़ चिल्ला दी लैग हो रहा है, मतलब भाई 2-3 दिन बाद से लैग करना। मैं समझ सकता हूँ कि भाई चलिए नया फ़ोन लेके आया हुआ है तो अपना वो पैटर्न समझेगा, किस हिसाब से यूज करो उस हिसाब से ऑप्टिमाइज होगा, बट भाई इतना भी ज़्यादा हीट हो जाए कि हाथ चलने लगे, हाथ एकदम पूरा लाल लाल हो जाए, ये जो था ना ये पंजा पूरा, मतलब ये हाथ का ये जो है पूरा भाई मतलब लाल लाल हो गया था चलाने में, मतलब जैसा होता नहीं कि चदरा वदरा आपने रख के, तो उस हिसाब से मैं रख के ऐसे करके फ़ोन चला था। प्लस ऐसा होता ना सिस्टम, बैक से भी यहाँ पे हीट होता है, फ्रंट से भी हीट होता है, फ्रंट में भाई हम क्या लगा के यूज करें, तो उस सिनेरियो में बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही थी। लेकिन उसके बाद से जो मेरा टेम्परेचर फ़ोन का -35-36, अब देखिए अगर 40 से अंदर रहता टेम्परेचर तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, तो ठीक ठाक है, बट अगर 40 पार का जा रहा है भाई, 45 चला जा रहा है या 44 चला जा रहा है, मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा एक बार आप सर्विस सेंटर विजिट करिए, वहाँ पर जाके बताइए कि भाई मेरा फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हीट कर रहा है। वो बोलेंगे नहीं नॉर्मल, नहीं बोलो भाई बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है, मैं भाई नहीं रख पाऊंगा फ़ोन, पूरा हाथ पूरा एकदम जल जा रहा है, तो आपको एक बार जरूरी सर्विस सेंटर जाके विजिट कर लेना है, और इतना काम करने के बाद में आपके फ़ोन में थोड़ी हीटिंग इशू कम हो जाएगी। हालांकि अभी भी एक प्रॉपर हीटिंग इशू कम नहीं हुआ है कि भाई जैसे अदर फोन हम यूज़ करते हैं तो कैसे मज़ा आता है चलाना, जैसे मेरे पास रेडमी नोट 8 प्रो ये भी बढ़िया चलता है, हीट उट उतना नहीं होता, मेरे पास रियलमी एक्स 50 प्रो वो भी ज़्यादा हीट नहीं करता, बट ये कुछ ज़्यादा ही अभी भी दोनों फ़ोन के मुकाबले हीट कर रहे हैं। हालांकि जब नया लाया था तो सिनेरियो तो लिटरली बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था, बट अब जो थोड़ा कम हुआ है, बट एकदम से अभी भी फिक्स नहीं हुआ है। तो भाई अगर MIUI वाले वीडियो देख रहे हो तो भाई क्या कर रहे हो तुम लोग यार, अपडेट दो, इतना अच्छा फ़ोन दिया हुआ 20,000 में, सब कुछ एक ऑलराउंडर बढ़िया स्मार्टफोन है, बट हीटिंग इशू तुमसे फिक्स नहीं हो पा रहा है। भाई ये स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, MediaTek का प्रोसेसर होता तो चलिए समझ में आ जाता, बट भाई स्नैपड्रैगन में तो ऐसा इशू तो नहीं होना चाहिए। हालांकि भाई अगर आपके पास में भी पोको एक्सिस ये सब ट्राई कीजिए, आपके फ्रेंड के पास में, फैमिली के पास में, रिलेटिव के पास है, तो ये वीडियो उनके पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ट्विटर पे भाई लिखिए पोको एक्सिस हीट कर रहा है अगर नहीं सोल्यूशन होता है तो, क्योंकि अगर आप ट्विटर पे आवाज़ उठा तो उसका जरूरी कोई ना कोई आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। हालांकि इतना सब काम करने के बाद में आपका फोन इतना तो हीट नहीं होगा कि आप फोन को यूज ही ना कर पाओ। पर्सनली मेरा जो है अब सही हो चुका है, उतना मैं मतलब ओवर हीट नहीं हो रहा है, हाँ थोड़ा कुछ तो हीट हो रहा है, बट ओवर हीट की प्रॉब्लम चली गई और आराम से मैं फोन यूज कर पा रहा हूँ। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, सुनो एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।